वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चतुरतारं वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्ययामी न पश्यन्ति सिद्धि स्वान्तास्थमीश्वरम् जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदव सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी सदा जोड़ी जुग पानी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुनि गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय श्री राम चरित मानस कहने की मुझ में नहीं है क्षमता पर बालक से बुलवाई माँ ये जनक सुता की ममता बोली श्री सीताराम जी भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय सत्संग के मृयामा ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया लेवर बैठे पामन ग्राम भिड़िया नमदा अब ये के हमर जम्मो ताई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला नोनी बाबू लैका जवान मल्ला अवैया काली के सीता राम राधे श्याम जिसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मधुर वाणी के धनी मानस मुनी सम्मानी संचालक हमर छोटे भाई आयोजक समिति के जम्मो पद अधिकारी कर्मचारी संगवारी मल्ला और बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में आए जम्मो नरनारी मल्ला आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोट या डीह जिला धनतरी के ये अबोध बालक मन के ढाल हृदय से नमन प्रणाम स्वीकार करो सजना श्री रामचरित मानस आखिर का आए ज्ञानी जनमन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पियेले भागे भूत ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेढ़गा लिखा है अब ये टेढ़गा बेढ़गा अक्षर में ही जीवन के सबो समस्या लुका है जैसे ढूंढ ले नदियां भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते नदियां भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते बेड़ौरा भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा मीठा फल होते चंद्रमा के आकार दिखे भले टेढ़गा रहते फिर प्रकाश शीतल होते बस वैसे रामचरित मानस के ये टेढ़गा बेढ़गा अक्षर में ही तो जीवन के सबो समस्या के हल लुका है फिर देखो तो आज हम सब अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हैं उम्र हो इस दस के तखाए पिए कंस के उम्र हो इस दस के तखाए पिए कंस के बीस में भारी हो गए जोश तमोह माया में खोए होश तीस में हो गए तिरिक तीरा तो चालीस में बाढ़ गए कुटुम कबीरा पचास में काया पक गए साठ में जांगर थक गए उम्र हो गए सत्तर के तो संगवारी हो गए बिस्तर के गाड़ी आ गई अस्सी में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में खसलत खसलत हो गए नब्बे तब राम लग दे दिन में जब्बे अजी सौ माँ सबो सिना गे पाप की भी जहाँ बवा गे गहरी नींद माँ सो गे आदमी के जिंदगी खेता हो गे आदमी के जिंदगी खेता हो गे खाना पीना सोना बस यही चला जीवन मान बैठे यही मानव जीवन के दुख के कारण आए सजनों जीवन में अगर सुख पाना है तो चलो कथा सागर डहा जिहां जाए के बाद आदमी के जीवन ना अनंत सुख के प्राप्ति हो जाते वो सुख के सागर श्री रामचरित मानस जेकर पावन प्रसंग डहार हम सब चलन आज देखो भैया आदमी के जीवन में सब चीज है सब पर समय है और समय नहीं है दाई तो राम रामायण पर समय नहीं आदमी कोनो आदमी कही के देख ले चल भैया सत्संग कर ले रामायण पढ़ ले आदमी एक चंद बात कहते कहाँ रमान में जाबे बाबू कहाँ सत्संग कर दे गृह का रजना ना चंजाल
तेयति दुर्गम सैन विशाला। आदमी दुनियादारी में ही फंस के रह गए भैया। अच्छा सबर समय है आदमी ला। हमार जवान भाई मन पर क्रिकेट मैच ले भर चालू होवन दे तान देख ली हो वैसे टीवी कनड़ यही ओमन है कि भूख प्यास नहीं लागे ओमल। हमार दाई माई मन गलो कम नहीं है सान भर होवन दे अब वो धारावाहिक के लाइन मन ला चालू होवन दे। साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया। और ले देखो रखी दादा तो हम दूसरा चालू हो गए ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन। अरे बाप रे अतका कन चालू हो तहां तो मत पूछ दो कोनो ससुर का हाथ बेटी साग लखो दिन वो साग हजरत से वो का कही जनम दे रो कह वो सज्जन सिंह का कहते ला पहली देखन देखा। तो सब पर समय है और समय नहीं है तो राम रामायण बन नहीं है। ये बहानाबाजी ना है तो काय भैया। तो जीवन बहाना से नहीं चले याद रखना। जीवन चलते भगवान के नाम से जिल हर पल याद रखना चाहे। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। सदा काम के पीछे भागे कधुलिया कोई नाम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। जिसके जीवन में राम नहीं। तो चलो जीवन ना हम सब राममय बनान एक छोटे से भजन के साथ मानस की यात्रा करबो। और मोर बंटवारा के पावन प्रसंग तुलसी जी महाराज के लेखनी विप्रधीन सुर संत हित लिंह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुरु गोपार। प्रातः वंदनी पूज्यपाद तुलसी जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखे है। जब राम जी के जन्म ले के अवसर इस दुनिया में धरती में जब नर के रूप में जन्म ली भगवान इस संसार में तो वो समय के वातावरण कत का बढ़िया निर्मित हुई यही मोर बंटवारा के प्रसंगे। अब ये प्रसंग माध्यम बना के आप और हमर बीच में चर्चा हो ही। लखन सिया राम चंद्र शंकर विप्रधीन सुर संत हित लिंह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस के ये अविरल बहावत धार में डुबकी लगाए के खातिर सकलाए पामर ग्राम भेड़िया नवा गांव के हमर उपस्थित दाई माई मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला पुनः प्रणाम करत चलो मानस की यात्रा करम। फिर एक पहले आप सब मैं निवेदन कर दऊ मानस यात्रा करन हम सब सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी ये भाव के साथ आप सबके हाथ से जोरदार ताली बजना चाहिए जयकारा के साथ। बोली राजा रामचंद्र की जय। बजात गा बजा के बिचारी मन हा ऐसे लागत जानो मानो रमान वाले मन बुता तैयार दिसका भगवान इसी के रमान वाले मन बुता तैयार है कहीं नहीं भाई बल्कि ताली बजाई हमर बुता इसे समझौत तो गए बजाए के लिए बजाई से ओ पिछू डहर के घेखर मनी मानत रही से। चलो एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। बोली राजा रामचंद्र की जय। हृदय से धन्यवाद आप सब लग आप सबके बीच में मानस के पावन चर्चन हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ ही बोली में रखत हूँ त्रुटि होगी ते कबर क्षमा करी हम मोल काबर की छत्तीसगढ़ ही बोली हमार छत्तीसगढ़ में बड़ा ही मोल रखते बड़ा महत्व है। हमार ज्ञानी मन के थे घलो अरे जियो मुड़ी उठा के और रेंगा छाती ठोंक जियो मुड़ी उठा के और रेंगा छाती ठोंक पढ़ा लिखा सुनो गुना छत्तीसगढ़ ही गोट छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी क्यों रंग मटासी गुड़ मटिया के मोटा है चौड़ जेकर गजब मिठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा साग में जैसे जिमी कांदा अव हम सुरह कर ही है वैसने गजब मयारो ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है। अबर दया मया के बोली आज छत्तीसगढ़ ही बोली अब हमर छत्तीसगढ़ में तो बड़ मोल हैगा। वैसे देखबे ना तपन अपन ठोर में सबे मोल होते जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है दुनिया भर में
रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है, गरीब के घर में कोदो कनकी के घोट के बड़ा महत्व है, नेता मन कर एक एक ठन ओट के बड़ा महत्व है, बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है, चेहरा में जैसे दांत मुंह घोट के बड़ा महत्व है, साधु संत मन कर लंगोट के बड़ा महत्व है, जैसे छिमारी मन भर फर पीपरा और सौट के बड़ा महत्व है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही गोट के बड़ा महत्व है। जैसे ढंग ले बिहनिया बिहनिया ले चाय बने लागते, ये बात अलग है दादा, आजकल के दलित दर मंथ में आधा रात किन घलो जमा डार थे। तो बड़े बिहनिया ले चाय बने लागते, नाहक बेल लाइक बाय बने लागते, नूनी के नाक में नथनी बने लागते, बासिम जैसे चटनी बने लागते, सबो तिहार ले होली बने लागते, मुहाटी में रंगोली बने लागते, जहुनिया में हमजोली बने लागते, हमजोली के ठिठोली बने लागते, जैसे देश के सीमा में सिपाही मल्लक गोली बने लागते, नवा नेवन नींद दुल्हीन मल्लक डोली बने लागते, जैसे डोकरी ममादाई मन के ओली बने लागते, विष्णु छत्तीसगढ़ ही बोली बने लागते। तो चलो बने लागे सोहित मिट काम मत, एक बार अच्छा चसन बढ़िया ताली बजा दो, बोलिए राज रामचंद्र की जय। मोर बंटवारा के पावन प्रसंग राम जन्म के तुलसी जी महाराज हम सब के ध्यान लब डाल ले जाना चाहिए। वैसे दुनिया में हम सब चाहतन कि हमार घर जिन बेटा जन्म लेके आए वो बेटा राम जी से सपूत हो, राम जी से माता पिता के आज्ञाकारी हो, राम जी से सपूत हो, राम जी से माता पिता के नाम ले दुनिया में चलाने वाला हो। हम सब चाहतन न, हम सब चाहतन न कि हमार बेटा राम बने, पर का हमार सपना साकार होते नहीं बल्कि उल्टा होते। हाँ, सपना साकार नहीं बल्कि उल्टा होते भैया। हमन दोष देथन कि हमार बेटा ठीक नहीं है, हमार बेटा ला बचपना में हम बढ़िया पाल पोस के बढ़िया करें, लेकिन जैसे जवान हुई ताने कर सुर बदल गए, ऐसे हमन लोग लिकल दोष देथन। लेकिन मैं तो ये कहूँ मोर भैया, अगर हम लड़का ला राम के रूप में देखना चाहतन तो सबले पहली तो माता पिता ला दशरथ और कौशल्या होना चाहिए। हाँ, जब तक के माता पिता दशरथ कौशल्या नहीं बनी तब ते राम बनी मोर बेटा के एक पैसा सम्मत कर काबर। अरे दादा न लागे दशरथ जैसे धीर वीर गुणवान, दादा न लागे दशरथ जैसे धीर वीर गुणवान, तब तोर बेटा कैसे बनी राम लखन भगवान। अरे बांस के भीर हम बांस जागी, बांस के भीर हम बांस जागी, आमा कैसे पाबे जी, जैसने बीज हबो हंस भैया वैसने फल लखाबे जी। अरे पानी रिकोबे बमरी तब पानी रिकोबे आमा, पानी रिकोबे बमरी में तब आमा कैसे फरही, और पानी रिकोबे बमरी में तो कर कांटा तू हिला गढ़ी। ऐसने की सोही बाप ले बढ़ गए बेटा, ऐसने की सोही बाप ले बढ़ गए बेटा, बेटा ले बढ़ गए भाई भतीजा, ऐसने की सोही दाई हो आठ हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा। तो दाई दादा बनो तो वैसे, दाई दादा बनो तो वैसे, माँ कौशल्या और दशरथ जी के जैसे, तभी तो राम जी से बेटा पहो, तभी तो राम जी से बेटा पहो, और सती सिया जी से बहु भी हो, और भौजई बनो तो वैसे, भौजई बनो तो वैसे, माता सीता जी के जैसे, अपन ले छोटे देवर ला बेटा बरोबर मानो, और अपन घर के गोसैया ला देवता ले बढ़ के जानो। भाई बनो तो वैसे, भाई बनो तो वैसे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के जैसे, घरवाली के बात न मान के आपस में झगड़ा झन होव, सुनता के जठना मा सोव, और दाई दादा के चरण ला धोव। राजा बनो तो वैसे, राजा बनो तो वैसे, राजा राम जी के जैसे, सबले बड़े हो करके भी सबले छोटे बन जावो, प्रजा के पालन धर्म के रक्षा सुख शांति फैलावो, तबे तो गांव गांव में छा गए राजा राम के अमर कहानी। अरे गंगा कस्बो हाथे भैया तुलसी के अमृत मानी, तुलसी के अमृत मानी। तो सच में भैया दुनिया आज बड़ा उल्टा हो गए, हम सब जाना था दाई माई मल्ला पूछ ले बेटा कब तक के बेटा है दाई, बढ़िया बताओ हो कारू देवत जो तब बने लागते, और तू मन तो वैसे बैठ जत वो जान मानो हम इच मन ठेका ले हैं। आए नहीं भाई एक दूसरे में गोठियात रहा हूँ, हाँ सब गोठियात रहे बने लागते, ईमानदारी से बताओ दाई। कई ठन गांव में रामायण पढ़े जाबे ना तो रामायण सुनैया मन के मुँह चला देख के रामायण पढ़े नहीं भाई गौके। हाँ अब्बड़ घूमत रही थन बारह महीना, सुनैया मन के मुहूल देख के रामायण पढ़े निभा का बर, ऐसे बैठे रही उमन है जानो मानो ये सबो कर्जा लोही मन लो बोहा देते ऐसे ऐसे ऐसने बैठे रहते हो।
तो बने हासत गठियात रहो भाई, बने करजल नीला दे तुमन ला हूँ कारू देत रहू काबर में बहुत भूलक्कड़ बड़ भूलाता हूँ मैं भूला हूँ तिल तुमन बताओ है जो बालक है तोतली माता सुनी मुदित मन पितवनु माता। जैसे लोग लिखा के तोतरी गोट में दाई दद मन मगन हो जाते ओकल लिखल भले माँ के हिल नहीं आए पापा के हिल नहीं आए फिर मम्मी पापा मन ही कहते मोल लिखल भले बोले नहीं आते फिर मोला माँ कहते तो बस वैसे अगर मोरवाणी में भी त्रुटि हो जाए तो अपन लिखा समझ के मोला क्षमा कर दी है। बेटा कब तक बेटा है जब तक ओकर बर पहिर ले गोसानी नहीं आए जब तक ओकर बर पहिर ले गोसानी नहीं आए तब तक को बेटा है। हाँ जहाँ घर वाली आ गए तानो बेटा नो है दादा बल्कि नांगर के सुखा लेटा है हाँ उतका दिन ले दाई ददल भले मया कर ही घर वाली आई तान सुर बदल जाते बेटा मन नारा लगाना चालू कर देते का हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो इसे कहा हाँ हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो पति पत्नी खेलो होली माँ बाप को मारो गोली इसे कहा। वारे होशियार बेटा एकरे बर तो जन्म दे रे घर वाली यही तान हमला गोली तीपी ही कही के याद रख बाबू मिल के रही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कल। अरे भाई कर्म के सजा कहाँ जाएगा बारी लगाबे तब भांटा पाबे बारी लगाबे तब भांटा पाबे अमली लगाबे तब लाटा खाबे और बमरी लगाबे तब कांटा पाबे मेहनत करबे तब बांटा पाबे कोई रोजगार गारंटी के पैसा फोकट में थोड़े तोर खाता में चघा दी मेहनत करबे तब बांटा पाबे गेहूं बोबे तब आटा पाबे और तब पूरी रोटी चपाटा खाबे सरसों बोबे तब तेल पाबे और गलत काम करबे तब हाथ बंधा के जेल जाबे हाथ लमाबे तब प्रसाद पाबे रामायण ठोर में बैठे है तब तोर मुड़ी में थोड़े चघा दी प्रसाद ल हाथ लमाबे तब प्रसाद पाबे हाथ जोड़बे तब आशीर्वाद पाबे और काकरो कहना नहीं मान के अंटियाबे तब तो जोरदार रहा तय लात खाबे तब तो जोरदार रहा तय लात खाबे तो मिलक रही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कल। अगर नारा ही लगाना है तब ये नारा लगा कौन से नारा हम दो हमारे चार काबर दू जन पति पत्नी तय और दू जन तोड़दाई दादा कुल मिला के जा हाँ गोठिया करो उनके जा चार हमारा छह कबे तब होल जम जो दू जन तो निकल गलो जोड़ ले हम दो हमारे चार ये है हमारा खुशियों भरा परिवार आपस में हम करते हैं प्यार कभी नहीं करते तकरार आपस में करते हैं प्यार। चलो जोरदार ताली बजा दे आप सब ये परिवार के सूत्र है भैया। राजा दशरथ घर जब संतान नहीं आती रही तब राजा दशरथ जी दुख में व्यतीत रहे हाँ राजा दशरथ जी महाराज मन में सोचे कि मोर घर कोई संतान नहीं है और राजा दशरथ जी के घर में संतान नहीं रिश्ते कर कारण का है तो तुलसी जी महाराज ऊपर पंक्ति में एक दोहा बहुत बढ़िया लिखे कौशल्याधिनारी प्रिय सब वाचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। नारी के जीवन में कैसे होना चाहिए और नारी के जीवन में अगर ये तीन ठन गुण हो तो निश्चित जान तो बेटा राम जी से बन के रही। बोली राजा रामचंद्र की जय। बेरा ये सुनिया ही रे राजा हंसा मुनि जाही जी उतर में के लिखा रे भुइया तूने हमेटाही जी मंगिनी माया नहीं मिले तर चतुराई जी मंगिनी माया नहीं मिले तर चतुराई जी तेरा ये समिया ही रे राजा हंसा मुनि जाही जी उतर में के लिखा रे भुइया तूने हमेटाही जी मंगिनी माया नहीं मिले चतुराई जी मंगिनी माया नहीं मिले तर चतुराई जी कोनो दिन बाबा कोनो दिन नाती कोनो दिन दुल्हा राजा हारी हारी दुल्हा राजा कोनो दिन बराती कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी
आई नहीं कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी। संगी साथी भी न चमका दे रब्बा में पापे भटक जावे, संगी साथी भी न चमका दे रब्बा में पापे भटक जावे। रोपे काफे पछता भी दीवाना दे माया के नीलामा, छन जावे दीवाना दे माया के नीलामा। भोले माया के मेलामा, हरे माया के मेलामा, भोले माया के मेलामा, भोले माया के मेलामा, हरे माया के मेलामा, भोले माया के मेलामा, हरे माया के मेलामा, भोले माया के मेलामा। लखन सिया राम चंद्र शंकर गरिया